हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी रेसिपी है पिज़्ज़ा, जिसको हम एक इंस्टेंट वे से बनाएंगे, यानी कि ब्रेड के ऊपर बनाएंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेम्पटिंग बाय शेफ रुचिका जैन। और चलिए, हम आज बनाएंगे ब्रेड के ऊपर पिज़्ज़ा, यानी कि ब्रेड पिज़्ज़ा। तो देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसा कि पता चल रहा है कि ब्रेड के ऊपर है, तो हमें ब्रेड तो लेना ही है सबसे पहले, बट मैं इसकी टॉपिंग्स पहले रेडी करूँगी। ये मैंने यहाँ पर हाफ कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, और हाफ कप ही मैंने टमाटर हैं जो भी उनको भी बारीक काटा हुआ है वो लिया है। हाफ कप मैंने पनीर लिया है, इसको छोटा छोटा काट लिया है मैंने। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना गाइस बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं करना पड़ता। ये मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल रही हूँ हाफ टी स्पून, और अभी मैं 1/4 टी स्पून यहाँ पर कॉशर सॉल्ट, यानी कि जो रॉक सॉल्ट होता है वो डाल रही हूँ यहाँ पर। अब इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे स्टफिंग बनाने के लिए टमाटो एंड कैप्सिकम एंड पनीर यूज़ किया है। आप चाहें तो और भी वेजेस डाल सकते हैं, लाइक ब्रोकली, मशरूम, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। बट जो भी डालें, बस ध्यान रखें क्योंकि ब्रेड पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो हमें उन्हें बारीक काटना है। बहुत बड़ा हमारा ये पिज़्ज़ा नहीं होगा, तो इसलिए हमें इसको बारीक काटना है। ये मैंने यहाँ पर देखिए ब्रेड को काट लिया है, और ब्रेड को देखिए मैंने गोल काटा है, और मैक्सिमम कोशिश करी है कि जितना एज तक जाके इसको काट सकती हूँ उतना काट लूँ मैं इसको, जिससे कि हमें ब्रेड का साइज़ भी काफ़ी बड़ा मिल जाए और ज़्यादा वेस्टेज भी ना हो। इसमें एक तरफ बटर लगा के मैं बटर वाली साइड से इसको सिकने के लिए रख दूँगी ऐसे। और ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनाई हुई है। इसकी रेसिपी आप मेरे यूट्यूब वीडियो पे जाके देख सकते हैं। होममेड पिज़्ज़ा सॉस और इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस दोनों की मैंने वीडियो डाली हुई है, तो आप देख सकते हैं और वहाँ से बनाना सीख सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पर इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करूँगी। इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास पहले से होममेड पिज़्ज़ा सॉस आपने नहीं भी बना रखी है, और अचानक से कई बार होता है कि घर में डिमांड आ जाती है पिज़्ज़ा खाने की, या बच्चों का मन कर जाता है, तो ये इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस तो 2 मिनट में ही बन जाती है, तो आप उसको बना के वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ब्रेड की एक साइड पर मैंने ये लगा दिया है, जिधर बटर लगाया था वो नीचे की साइड है। अब यहाँ इसके ऊपर हम ये टॉपिंग लगा देंगे जो हमने टॉपिंग बनाई है। ये देखिए, हमने इसको बारीक काटा था तो इसकी वजह से हम इसको काफ़ी अच्छे से लगा सकते हैं। इन्हें एकदम इवनली स्प्रेड कर देंगे, और क्योंकि ये बारीक कटी हुई हैं तो काफ़ी सारी आ जाएंगी, इसीलिए हमने इसको बारीक काटा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस डाल सकें। और ये मैंने ऊपर से बारीक कटा हुआ अनियन डाला है। अनियन आप कोशिश करें कि इसी तरह से ऊपर से डालें, तो उससे क्या होगा कि जो अनियन है वो क्रंची भी रहेगा और पिज़्ज़ा में अनियन का टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। और ये ऊपर से मैंने यहाँ पर डाला है प्रोसेस चीज़। मैं यहाँ पर प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर अचानक से डिमांड आती है, और कई बार होता है कि मोज़रेला चीज़ हमेशा नहीं होता घर पे, तो प्रोसेस चीज़ आप इस तरह से ग्रेट करके डाल सकते हैं। एक बात और गाइस, जो लोग अनियन नहीं खाते हैं वो यहाँ पे अनियन को अवॉइड भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक इस तरह से रेडी कर लिया है। अब इसी तवे के ऊपर मैं दूसरा पिज़्ज़ा भी लगा दूँगी। मैं ब्रेड को काटा हुआ है मैंने, और उस पर फिर से बटर लगा के बटर वाली साइड से इसको प्लेस कर दूँगी। जैसे पहले वाले पिज़्ज़ा में हमने टॉपिंग्स लगाई थी, उसी तरह से लगाएंगे यहाँ पर भी टॉपिंग। गाइज, मैंने यहाँ पर देखिए पिज़्ज़ा बनाने के लिए ब्रेड को राउंड काटा है। आप स्क्वायर भी रख सकते हैं, बट राउंड पिज़्ज़ा इस तरह से मैंने इस ढक्कन से मैंने इसको राउंड काटा है पिज़्ज़ा, क्योंकि एक्चुअल शेप उसकी राउंड ही होती है, तो राउंड ज़्यादा अच्छा लगेगा हम इसे राउंड काटेंगे। और इसे 3 मिनट के करीब ढक के सिम पे रख देंगे इस तरीके से। और हमारी जो ब्रेड है, क्योंकि उसमें नीचे हमने बटर लगाया हुआ है, तो वो बहुत अच्छे से सिक भी जाएगी और जलेगी भी नहीं, और ढकने की वजह से, स्टीम बनने की वजह से ऊपर की जो वेजीज़ हैं वो भी अच्छे से कुक हो गई हैं जितनी हमें चाहिए। ये देखिए, रेडी हो गया है हमारा ये ब्रेड पिज़्ज़ा। बेसिल लीव से मैंने इसको गार्निश कर दिया है, और देखिए ये आप देख सकते हैं इसके एजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे सिके हुए, तो ये क्रिस्पी भी हो गया है, क्रंची बनाया मतलब बिल्कुल हमारा ये ब्रेड पिज़्ज़ा। तो गाइज़, बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, टेम्पटिंग बाय शेफ रुचिका जैन। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। हैप्पी कुकिंग।